मन भगवान की करुहार से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप के तारती जय जय राधा कृष्ण युगल मिला जय जय राधा कृष्ण युगल मिला आरती करे नन सदि सखी गान आरती करे नन सदि सखी भगत विनोद सखी पद सुख भासे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 श्री नाथ महाराज की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण देखिए भाई लोग भी आगे आइए आइए हाँ बेटा बोलो जूम कर दो Yeah.
मैंने ये मोती लूटे वो तुम्हारा माल हुए। माया के वो बने पुजारी अग्नि वो कंगाल हुए। जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। माया के वो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। सोना चांदी माया वाला कोई कृष्ण का प्यारा बाज लगाओ गली गली।
मन में वो भाया है, कई मन में वो भाया है। मन में वो आया है, के मन में वो आया है। तुलसी मीरा और नरसी का, तुलसी मीरा और नरसी का, या ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा बाज लगाओ गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा बाज लगाओ गली गली। उपदेश दिया गीता का उपदेश दिया, अर्जुन को जब मोहन घेरा प्रभु ने संशय दूर किया, ज्ञान की ज्योति जलाकर गीता का उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया। कोई राम का प्यारा बाज लगाओ गली गली, राम का प्यारा बाज लगाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगाओ गली गली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।
बोले ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं नाम्ने गौरातुसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि वृंदाई तुलसी देवै प्रिया अयि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः तमाति देवं करुणा निदान तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदं श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठाकर बोले बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री 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 माद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री 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 माद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत गल्ले हम लोग थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जह व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नैति मामेति स्वर्जुन। बोले हे अर्जुन मेरा जन्म है ही नहीं, मैं अजन्मा हूं, लेकिन ये अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूं। बोले क्यों जन्म लेते हैं? बोले अनुग्रहाय भक्तानां, बोले भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए। अगर ठाकुर जी जन्म नहीं होते, कल बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, फिर हम क्या उत्सव मनाते घर में? फिर घर में बैठ करके बेटा बेटियों की नाती बहुओं की बात करते, फिर हमारे कल्याण कैसे होता?
इसलिए भगवान भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए वो अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। इसलिए कहते हैं अर्जुन, मेरा जो जन्म और ये जो कर्म है ये दिव्य है, ये अवलौकिक है, अप्राकृत है। अगर ये चीज को सही सही कोई जान ले, शरीर छोड़ने का बाद फिर संसार में फिर जगत में जन्म नहीं लेता। इसलिए कल तो हम लोग ने सुना था कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए, आज हम सुनेंगे कृष्ण कैसे नंद के लाला बन करके गोकुल में कृष्ण जन्म लेते हैं। कहते श्री परजन्य बाबा की पांच बेटे हैं, कहते उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंद, इनकी पांच बेटे हैं। पहले नियम ये होता था जब 50 साल हो जाता था उसको बाद में घर में कोई नहीं रहता, इसलिए बोले चार आश्रम में, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, पहले नियम ये होता था गुरुकुल में 25 साल तक सबको बिताना पड़ता था, वेद पुराण उपनिषद ये सारे ग्रंथों का अध्ययन करते थे। जब अध्ययन समाप्त हो जाती थी गुरुजी प्रश्न करते थे, बोले बेटा बताओ अभी तू क्या करोगे, तुम्हारी मन में क्या इच्छा है। अगर जिसकी इच्छा होता था गुरुजी, ये जो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है और इसी जीवन में ही जीव को मुक्ति मिलती है और किसी जीवन में नहीं, और ये जीवन भगवान प्रभु की भक्ति के लिए दिया, वो तो गुरु जी के चरण में रह जाते थे, गुरु जी के आश्रम में रह करके गुरु जी की सेवा करते हुए और अपना जीवन को मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त कर लेते थे। लेकिन जो संसार के बगैर रह ही नहीं सकते, शादी के बगैर रह ही नहीं सकते, गुरु जी कहते थे बेटा अपना घर में जाओ और मनमानी शादी मत करना, लव मैरिज नहीं करना, हाँ अपना मनमानी शादी नहीं करनी है। इसलिए कहते ना आई लव यू, कुछ देर बाद में होता है आई लीव यू, फिर बाद में आई किल यू, फिर जाकर कोर्ट में चक्कर लगाते हैं। इसलिए पहले ये होता था शादी जब होती थी अपना वर्ण और आश्रम के अनुरूप शादी होती थी, पिता माता जहाँ करते थे वहीं पर आंख बंद करके शादी कर लेते थे। आप लोगों ने कौन कौन शादी किया यहाँ पर, माताएं सामने कोई बैठ कर बात मत करें, चुप बैठ यहाँ पर, कौन कौन शादी किए हो हाथ उठाओ तो, अरे कोई हाथ नहीं उठा सके, तुम लोग शादी नहीं किए हो, शादी किए हो। इसलिए देखना जब आप लोगों ने शादी की पति को देखने के लिए गई थी घर में, नहीं पति तुम्हें देखने आया था, नहीं। लिखो कितना आनंद में जीवन बीत गया है। लेकिन अभी ऐसे नहीं, लड़की को लड़का को साथ में, लड़का लड़की को साथ में, बोले नहीं ऐसे नहीं, कुछ दिन हम घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे बात करेंगे, उसका फोटो दिखाने पर नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं, काली को गोरी तो नहीं बना दी। इसलिए कितने पता नहीं क्या क्या, कितने लिखी बड़ी कितने, लेकिन पहले जब शादी होती तो लिखी बड़ी नहीं देखती थी, इतना कुछ देखने का बावजूद भी शादी नहीं टिक रही। लेकिन पहले क्या होता था, पिता माता जहाँ करवा दिया आंख बंद कर दिया और बड़े आनंद से जीवन बीत गया। अभी जीवन सहज में नहीं बीतती है, अभी जीवन सहज में नहीं बीतती है। इसलिए गुरु जी कहते थे बेटा जाओ घर में जाओ, जा करके अपना वर्ण जाति के अनुरूप शादी करना। और कब तक शादी करके रहोगे, बोले 50 साल तक, गृहस्थ धर्म 50 साल तक, उसको ऊपर में नहीं। बच्चे हो गए और उनको नौकरी चाकरी मिल गया हो गया, फिर घर गृहस्थ नहीं करना है, उसको बाद में आता है एका बन, बाबन, चौबन, मतलब घर में नहीं, अभी बन में जाओ, वृंदावन जाओ, भजन करो, घर में मत रहा कर, मना करते रहा। इसलिए भागवत में बताए 50 ऊर्धे बनम प्रजे, मतलब 50 साल के बाद में वृंदावन में जाकर के भगवान की भजन करो, क्योंकि घर में भजन कर ही नहीं सकते, नहीं चाहने पर भी नाती पोती बेटा बेटी संसार मोह माया, तुम चाहने पर भी भक्ति नहीं कर सकते संसार में। इसलिए पहले 50 साल हो जाता था। रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, अब देखना श्री दशरथ महाराज जब उन्होंने शीशा में अपना चेहरा को देखा, एक दो बाल पक गया है, बोले और घर में नहीं जाना चाहिए, बोले भगवान राम को राज्याभिषेक करते हुए बोले अभी हमें वानप्रस्थ ग्रहण करनी चाहिए, हैं?
इसलिए ये एका बन बाबन, अगर बन में नहीं गया फिर कौन सा अंक आता है? बोले अनसठ, साठ, एक सठ। ये साठ साठ क्यों आता है? बोले सठिया बन जाओगे फिर तुमसे भक्ति भक्ति होने वाले नहीं। जब मिट्टी कच्चा हो ना, कच्चा मिट्टी में तो कुछ बना सकते हो, मिट्टी जब पक जाए ना फिर कुछ नहीं बनेगी। बांस जब कच्चा हो उसको तुम टेढ़े कर सकते हो, लेकिन बांस जब पक जाती है फिर टेढ़ी होती है, टूटेगा लेकिन टेढ़ी नहीं होगा। कोरे कागज में कुछ लिख सकते हो, हैं? जो कागज में लिख गया फिर उसको ऊपर में कुछ लिख नहीं सकते। इसलिए उसको बाद में जब अड़सठ हो गया, उसको बाद में साठ, उसको बाद में इकसठ, उसको बाद में अनहत्तर। अनहत्तर मतलब क्या होता है? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भैया तू तर भी सकते हो लेकिन सठ सुधर सत संगत पाई। अगर भगवत इच्छा से कोई अगर संतों की संग मिल जाए हो सकती है तुम्हारी उद्धार हो सकती है। इसलिए बोले बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ नाश होई। इसलिए अभी श्री परजन बाबा ने अपना पांच बेटों को बुलाया, बोले बेटो इधर आ। बोले तुम लोग अभी घर गृहस्थी हो गया, शादीशुदा हो गई, अभी हम जान बुझ करके ये संसार में टांग अड़ा करके रहना नहीं चाहता हूँ। हम दोनों पति पत्नी अभी बान प्रस्थ लेना चाहते हैं। सबसे जो बड़े बेटे को हम राज्याभिषेक करना चाहते हैं। बड़ा बेटा ने कहा, पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का मेरे अंदर में कोई गुण है नहीं। राजा बनने का गुण तो केवल श्री नंद बाबा में। अब श्री नंद बाबा को राज सिंहासन में बैठा दो, ये मझिला बैठा दो। अभी उनको बैठा करके दोनों पति पत्नी भजन करने के लिए चले गए। अभी चार ही बच्चों को था संतान है, लेकिन श्री नंद बाबा का घर में कोई संतान नहीं। उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ा पूजा सेवा दान व्रत बहुत कुछ किए, लेकिन किसी तरह से घर में बच्चा नहीं हुआ। एक समय ये पुत्र था एकादशी है। एक दिन नंद जसोदा सोच रहे थे, हमने तो सारे व्रत बार व्रत करके देख लिया, लेकिन अभी जो एकादशी है इसका नाम पुत्रदा। पुत्रदा मतलब जिसका संतान नहीं उसको ये संतान देने वाले, पुत्र को देने वाले, इसलिए उसका नाम पुत्रदा। बोले चलो हम दोनों ये पुत्रदा एकादशी व्रत रखेंगे। लेकिन पहले व्रत कैसे करते थे? बोले एक दिन एकादशी से एक दिन पहले वो एक टाइम खाते थे, रात को भोजन नहीं खाते थे। दूसरे दिन पूरा निर्जला, कोई पानी तक भी नहीं। और जो तीसरे दिन समय को देख करके, अपना समय देख करके उसको अंदर में अन्न ग्रहण करते हुए ये व्रत को रखा करते थे। मतलब एकादश का खाना नहीं, पहला एक दिन एक बार खाना और दूसरे दिन केवल एक बार खाना, पहले ये नियम होता था। अभी उन्होंने जब एकादशी व्रत जिस रात को उन्होंने की, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने एक स्वप्न देखा। ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखो करी करी वो स्वप्न सच होता है। वो स्वप्न क्या देखा? बोले श्याम चंचल तारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसो क्रीरांग मयाम लोक्यते। अभी नंद जसोदा एक साथ में स्वप्न देखे और दोनों का स्वप्न टूट गई। इतने में नंद बाबा ने बोले, जसोदे जसोदे मैंने बड़ा सुंदर एक स्वप्न देखा है। जसोदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखी, पहले आप बताओ क्या देखा फिर मैं बताऊंगी। बोले मैंने देखा तेरे गोद दो बालक आकाश में, एक श्याम रंग का और उसको पीछे पीछे चमचमाते हुए जैसे बिजली चमक रही है, और एक सुंदरी लड़की, वो पहले मेरे हृदय में प्रवेश करते हुए फिर ये तेरे हृदय में प्रवेश किए, और मैंने देखा तेरे गोद में सुंदर एक श्याम रंग का बालक पौड़ रहा है, और तुम्हारी स्तनपान करते समय दोनों धारों से दूध बहते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को लगा नहीं जैसे ये स्वप्न, लगा सचमुच से कोई एक बालक तेरे गोद में। जसोदा बोली मेरे स्वप्न सुन लो। बोले बता। बोले मैंने भी देखा एक सुंदर श्याम रंग का बालक मेरे पीछे पीछे माँ माँ करते 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 आ रहा है, कपड़ा खींच करके बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिला दे। वो मचल रहा था,
और मेरे को लगा सचमुच से एक बालक है। और उसी रात को ही मैया जसोदा ने गर्भ धारण की और पूरा ब्रज में हला हो गया, भैया नंद के लाला होने वालों है। बोले श्री नंद के लाला की जय। और जितने गोपियां थी ना वो छह छह महीना पहले तो 84 84 गज की लहंगा चुंदरी बना करके रखी। बोले हम इसको पहन करके नंद लाला को हम बधाई देने हम सबके सब जाएंगी। अभी पहले तो मशीन होता ही नहीं, पता लगा लेते थे बेटी हो तो मार दो तो बेटा हो तो रख लो, पहले तो मशीन नहीं होता था। लेकिन ये जो बड़े बूढ़ी है ना इनको पास में कुछ अनुभूति होती थी, वो देख करके बोल देते थे बेटा होगा ना बेटी होगा। मैया जसोदा को बोले जसोदे लगता है तेरे गर्भ में एक बेटा है। बोले तेरे को कैसे पता चला? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, ये लक्षण है। अगर होठ अगर पीला पीला दिखे तो समझना गर्भ में तुम्हारी बेटा है। अभी जब गर्भ में बच्चे हो माताओं को चटपटी चीज अच्छी लगती है, मिर्च मसाला खट्टा मीठा ये सब चीज खाती है। इसलिए मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है, तब उनको सुंदर खीर बना करके सालग्राम को ठाकुर जी को भोग लगाए और मैया जसोदा को खीर खिलाए। और मैया जसोदा को सुंदर सुंदर ठाकुर जी की कथा सुनाया करते थे, रामायण पढ़ती थी, बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी को तस्वीर दिखा देते थे। इसलिए इसको कहते हैं गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का मतलब है माताएं ध्यान देकर सुनो, अगर गर्भ में तुम्हारी बच्चा है, अगर अब तुम रामायण पढ़ोगे गीता सुनोगे प्रभु की अच्छे अच्छे ठाकुर जी की कथा सुनोगे लीला देखोगे ना, देखना वो बच्चा जब जन्म होगा इतने अच्छा बच्चा जन्म लेगा, वो तुम्हारी सबर प्यार छुएगा, तुम्हारी आदेश पालन करेगा, तुम्हारी सारा जीवन तुम्हारी सेवा करेगा। अगर गर्भ में बच्चा रहते हुए डिस्को डांस उल्टा पुल्टा फिल्म देखोगे ना वो बच्चा डाकू बन करके निकलेगा, देखना डाकू बन सीधा डाकू बन करके निकलेगा। हम जहाँ जहाँ जाते हैं सब जगह पर एक ही रटना, बच्चा बात नहीं सुनता, बच्चा बात नहीं सुनता। बोले क्यों? बोले ये माताओं की दोष है। गर्भ में बच्चे रहते हुए उल्टा पुल्टा सुलटा काम करोगे वो डाकू बनेगा तुम्हारी है। इसलिए इस माँ के ऊपर में ये सारे निर्भर करता है। आप लोग ने अभी सिर्फ प्रहलाद महाराज की कथा आई है, प्रहलाद जब बच्चों को बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बता रहे थे, बच्चों ने कहा प्रहलाद हमारी गुरुजी तो ये सब बात बताए हमें, तेरे को ये सब बात कहाँ से पता है? बोले जब मैं माँ की पेट में था नारद जी मेरी मैया को सुंदर सुंदर ठाकुर जी की कथा सुनाया करते थे और मैं पेट में बैठी बैठी करके सारी कथाओं को मैं सुन रहा था, इसलिए मेरे गुरु जी नारद है, हैं? मेरे गुरु जी नारद है। जिस समय मैया सीता गर्भ धारण थी भगवान राम ने संतों को बुला करके सत्संग करवाया, सीताओं को सत्संग सुनाए, तभी ये लव कुश जैसे संतान उनकी जन्म हुए हैं। इसलिए माता ही की चीज को ध्यान रखना, गर्भ में बच्चे रहते समय गीता भागवत रामायण पढ़ो, आप देखोगे भगवान की कथा सुनो और उल्टा पुल्टा फिल्म मत देखना नहीं, हाँ लड़ाई फड़ाई युद्ध बुद्ध ये सब चीज को नहीं देखनी चाहिए। अभी ऐसे लग रहा था जैसे आज रात को ही किसी लाला को जन्म हो जाएगी, लेकिन नंद बाबा की एक बहन थी जिसका नाम थे सुनंदा, वो तो 6 महीना पहले आकर घर में जम करके बैठी। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भ धारण की, अगर बच्चा होगा ना मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी। इसी चक्कर में 6 महीना पहले से घर बैठी गई और घर का सारे काम काज को खूब भाग दौड़ कर कर रही थी। लग रहा था जैसे आज ही घर में लाला की जन्म है जाओ। बोले